जैसे ही आपके पीरियड स्टार्ट हो आपने जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठंडी चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल स्किप कर देना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल हेल्थ फीड। दोस्तों आज की वीडियो गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी आप जो पीरियड का पेन है उसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं फ़ौरी तौर पर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही हमारा पीरियड स्टार्ट होते हैं तो हमें स्टार्ट के डेज़ में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाता है, या फिर कुछ गर्ल्स के साथ ऐसे होता है कि उनके पीरियड से एक दो दिन पहले ही उनको पेन स्टार्ट हो जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा शदीद होता है। तो उसको आप किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एक ड्रिंक बनाने का तरीका बताऊँगी। उसके अलावा आपने क्या करना है कि जैसे ही आपके पीरियड स्टार्ट हो आपने जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठंडी चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल स्किप कर देना है, क्योंकि ये ठंडी चीज़ें हमारे ब्लड को ज़्यादा फ्रीज़ करती हैं और जिससे हमारा पेन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने ठंडी चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा आपने गर्म पानी पीना है और चाय का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और पेन को रिलीफ देती हैं। इसके साथ साथ आपने कोई टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, टैबलेट उल्टा इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो उससे बेहतर है कि आपको जो मैं ड्रिंक बनाने का तरीका बता रही हूँ आपने ये ड्रिंक इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह आपका जो पेन है वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बता देती हूँ। इसमें आपको चाहिए हनी, ग्रीन टी और सिनेमन पाउडर। ये तीनों चीज़ों से हम सिनेमन टी रेडी करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ग्रीन टी बनानी है सिंपल जैसे हम घर में बनाते हैं, या फिर आपने एक कप पानी का लेना है, गर्म पानी लेकर उसमें ग्रीन टी बैग ऐड कर दें। तो अगर आपके पास ग्रीन टी बैग नहीं है तो आपने जो ग्रीन टी लीफ होते हैं उनके ज़रिए ग्रीन टी रेडी कर लेनी है, और उसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट के लिए हनी यानी कि शहद। आपको 1 टीस्पून इसमें शहद ऐड करनी है, अगर आप इससे भी कम ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। हनी ऐड करने के बाद अब हम इसमें सिनेमन पाउडर, जिसको हम दालचीनी का पाउडर कहते हैं, वो ऐड करेंगे। ये चाय बहुत अच्छी है आपका पेन ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पर, और इसमें आपने 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपकी चाय बिल्कुल रेडी है। आप इस चाय को दिन में किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह टाइम आपने इसको निहार में इस्तेमाल नहीं करना, पहले आपने नाश्ता करना है और उसके बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा रात को सोने से पहले भी आप इस टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने दिन में सिर्फ इसको, अगर बहुत ज़्यादा पेन हो, शदीद हो, तब आप इसके 2 कप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपने एक दिन में सिर्फ इसका 1 कप लेना है और इंशाल्लाह इस 1 कप से ही आपका पेन फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।